पकवान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं आज मूंग दाल के जायके दौर और लजीज हलवा, जिसका सुगंध से ही सबके लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इसके लिए हमने लिया है 1 कप मूंग दाल की सूजी। मैं मूंग दाल का हलवा मूंग दाल की सूजी से बना रही हूँ, लेकिन मूंग दाल के सूजी सब जगह अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए आप मूंग दाल को रोस्ट कर करके हल्का सा रोस्ट कीजिए, उसके बाद उसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा दरदरा ही रखिएगा तब हलवा अच्छा बनेगा। और उसमें नहीं हो तो मूंग दाल को 2 घंटा पहले भिंगो कर करके और उसको 3-4 बार धो लीजिए पानी से, और उसको मिक्सी के जार में दरदरा करके पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट मत बनाइएगा तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। उसी बाउल से नाप करके 1 बाउल चीनी और उसी नाप मेजरमेंट से 1 बाउल घी और उसी बाउल से मेजरमेंट करके 2 बाउल दूध लेना है, 1/2 बाउल पानी, उसके समझिए ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और उसके बाद मैं 1 चम्मच बेसन डालूंगी और 1 चम्मच सूजी, 4-5 इलायची का पाउडर। इस मेजरमेंट से नाप करके अगर हलवा बनाएंगी तो एकदम परफेक्ट हलवा। 1/2 चम्मच घी डाल करके मैं ड्राई फ्रूट काट कर रखी हूँ, तो सबको हल्का सा भून करके डालने से टेस्टी अच्छा टेस्ट आएगा हलवा। और बादाम और काजू इसे कीजिएगा, इसमें पूरा छोटे छोटे बारीक नहीं काटना, हाफ करके उसको आधे काट कर रख ले, डालने से हलवा देखने में ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगेगा। देखेंगे इसको, देखिए हल्का सा भूनना है। देखिए ड्राई फ्रूट को मैं हल्का भून ली हूँ। अब कढ़ाई में गरम करके मैं उसमें 4 चम्मच घी डालूंगी, बाकी घी मैं बाद में डालूंगी। अब देखिए सबसे पहले मैं ये जो बेसन सूजी ली हूँ उसके बेसन सूजी को मैं सबसे पहले डाल करके 1-2 मिनट भूनूंगी इसको। 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी जो मैं ली थी उसको मीडियम आँच पर उसको भूनना है। बेसन सूजी देने से ये फ़ायदा होगा आपको कि नीचे से सूजी जो है चिपकेगा नहीं और आराम से सूजी आपको भून सकती। सबसे पहले बेसन सूजी डालना, उसके बाद देखिए मैं सूजी को डाल रही हूँ। अगर सूजी आपके पास नहीं हो तब वो तो आप मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करके और उसको पीस कर करके मिक्सी के जार में बना सकती हैं। वे नहीं हो तो मूंग दाल को 2 घंटा पहले भिंगो करके उसको मिक्सी के जार में दरदरा करके पीस लीजिए और धीमे आँच पर इसको भुनना है, एकदम धीमे आँच पर, एकदम सुगंध आने तक इसको अच्छी तरह से भुनना है। अब 10 मिनट देखिए भुनते हुए सूजी हो गए। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच घी में डाल रही हूँ। और जब भी मूंग दाल के हलवा बनाइएगा तो मोटे तले वाला कढ़ाई लीजिएगा या नॉन स्टिक पैन लीजिएगा, तब नीचे से हलवा लगेगा नहीं और जलने का डर नहीं रहेगा। अच्छी तरह से हलवा आप बना सकती हैं और भून सकती हैं, तो ज़्यादातर पतले कढ़ाई में सूजी नीचे से लग जाएगा और हलवा जल जाएगा। अब देखिए भूनते हुए कलर इसका चेंज हो गया और अच्छे खुशबू आ रही है। मेहमान आएंगे तो हलवा खा करके बहुत खुश हो जाएंगे, इतने स्वादिष्ट हलवा जायकेदार हलवा बनेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं 2 दूध जो ली हूँ अब इसमें हलवा में दूध डाल दे रही हूँ और दूध डाल करके इसको अच्छी तरह से चलाना है और लगातार चलाते हुए इसको एक अड़ी है न तो नीचे से आपको तले में लग जाए। अब 1/2 बाउल जो मैं पानी रखी थी 1/2 बाउल में पानी डाल दी, पानी डाल करके उसको मैं लगातार चला रही हूँ। अगर आपके पास दूध नहीं हो अब दूध के जगह पानी में बना सकती हैं। और अभी कोविड का समय चल रहा है, लॉकडाउन है और हम लोग पार्टी में नहीं जा रहे हैं, बच्चे पार्टी में नहीं जा रहे हैं। कोई भी पार्टी आपको अधूरी रहती है जब तक मूंग दाल का हलवा नहीं हो। वही मूंग दाल का हलवा खा करके हम लोग पार्टी का लुप्त घर में उठा रहे। आप इसको चलाते हुए देखिए इतना हो गया 10 मिनट। अब इसमें चीनी डाल दे रही हूँ, चीनी डाल करके भी इसको लगातार चलाना है। अब इसके बाद लास्ट में मैं इलायची पाउडर डालूंगी, जो इलायची पाउडर मैं पीस कर रखी थी। अब इलायची पाउडर डाल करके इसको अच्छी तरह से चलाना है और बचे हुए घी जो था लास्ट में मैं घी डाल दूंगी। इसमें घी डाल करके इसको लगातार चलाते रहना, 1 मिनट भी आप छोड़िएगा नहीं, न तो नीचे से आपको सजू हलवा लग जाएगा। और आप चाहिए तो इसमें केसर भी डाल सकती हैं, केसर डालने से
हलवा का कलर बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे पास अभी केसर नहीं है इसलिए मैं केसर नहीं डाल रही हूँ। और मीडियम फ्लेम करके इसको भुनना है और कढ़ाई छोड़ने तक इसको चढ़ाना, एकदम मीडियम आँच कर करके इसको लगातार चलाते रहना। अब देखिए हलवा एकदम कढ़ाई छोड़ने लगे, गीला रखना होगा तो गीला रखिए, और नहीं अगर कर खाती जमा हुआ तो जमा भी उतार सकती। बिल्कुल देखिए मूंग दाल हलवा एकदम जायकेदार और स्वादिष्ट हलवा बन करके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें कटे हुए मैं ड्राई फ्रूट सब डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट डाल करके फिर उसको अच्छी तरह से एक मिनट चलाना है, और चला करके मैं बस लास्ट में जो थोड़ा बहुत घी बचा है घी डाल दूँगी। घी डालने से एकदम तैरता हुआ घी नज़र आएगा हलवा में, तभी हलवा देखने में अच्छा लगेगा। पार्टी में जब भी हलवा खाएंगे देखिएगा एकदम घी से पूरा उसमें तैरता हुआ घी नज़र आता, तभी जायकेदार और स्वादिष्ट हलवा बनेगा आपको। बन करके बिल्कुल रेडी है, देखिए मूंग दाल का लजीज और टेस्टी और जायकेदार हलवा एकदम बन करके रेडी है। गरम देखिए मूंग दाल का हलवा बिल्कुल बन करके रेडी है, सुगंध से ही मुँह में मानी आ रहा, मुँह में इतना टेस्टी और इतना लजीज और इतना जायकेदार बना है। ये सेम रेसिपी से मूंग दाल का हलवा दो तरीके से बनाई हूँ। एक जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें मैं दूध डाली हूँ और दूध डाल करके बनाई हूँ, और दूसरा जो मैं इसमें दूध के जगह में पानी डाली हूँ और उसमें 3-4 चम्मच मैं उसमें मिल्क पाउडर डाली हूँ, लेकिन दोनों का टेस्ट लगभग एक जैसा ही है, लेकिन कलर में आसमान ज़मीन का बहुत ज़्यादा अंतर है। खाने में आपको बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लगेगा, दोनों एक जैसा ही लगभग, लेकिन कलर में बहुत अंतर है। आपको जैसे इच्छा उस तरीके से आप हलवा बना सकती हैं, चाहे दूध डाल के बनाइए या पानी डाल करके, दोनों का टेस्ट लगभग एक जैसा ही है। तो गरम गरम ये हलवा का खाइएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मैं नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय।